मैंने इस कार में इन्वेस्ट किया था 12,000 टोटल, सारे पिंजरे वगैरह मिला के बर्ड्स डाल के ना। फर्स्ट मैंने ऑस्ट्रेलियन के बच्चे सेम किए ना, वो मैंने 22,000 के किए थे। शौक मुझे बचपन से ही था, लेकिन मैंने ना कभी ये नहीं सोचा था कि ये जो मेरा बिजनेस है ना इतना ग्रो कर जाएगा। मैंने बहुत ही लो बजट से स्टार्ट किया था और बहुत ही छोटे सिटी से स्टार्ट किया था काम। हर मौसम के लिहाज से इनकी ना केयर अलग है, सर्दियों में अलग है, गर्मियों में अलग है, बरसात के मौसम में अलग है, हबस के मौसम में अलग है। क्या आपको पता है कि जो चीज़ बेचनी है वो दिखानी तो पड़ती है, तो फिर वो फेसबुक पे और यूट्यूब के थ्रू मेरी सारी सेल परचेज होती है। जो खवातीन इस टाइम घर में बैठी हुई हैं और जो ये काम करना चाहती हैं, उनको अगर ये लगता है कि इसके लिए उनको लाखों रुपये चाहिए, तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। मेरा तजर्बा उनके सामने है। मेरा नाम मदिया सदफ है और मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ भावल नगर से। यहाँ मैं एक साल पहले शिफ्ट हुई हूँ। मैंने टीचिंग भी की है। जब छुट्टियाँ हो जाती थी तो उसमें शौक के लिए मैं कुछ बर्ड रख लेती थी। शॉपिंग लड़कियों वाली नहीं करती थी कि कपड़े ले लो या मेकअप ले लो। वो 2 से 3 बर्ड हुए, 3 से 4 बर्ड लिए, 4 से 5 बर्ड लिए। तो ये जो मेरा फिर था, जो मेरी हॉबी थी ना, यही फिर मेरे प्रोफेशन में चेंज हो गई। पहले साल मेरे पास ब्रीड इनका अच्छी आई थी ना, तो फिर मैंने ना, वो कहते हैं ना कि अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी है। मैं यहाँ पे जून में शिफ्ट हुई थी, गर्मी अपनी ना फुल पीक पे थी, तो पहले मैं थोड़ा सा इस बात से हो रही थी कि बर्ड्स को नुकसान हो जाएगा, मेरा लाखों का नुकसान हो सकता है। लेकिन ये है कि मैंने टेम्परेचर मेंटेन किया। अल्लाह ताला ने इस काम में इतनी बरकत डाली क्योंकि मैंने अपने काम को ना हमेशा ईमानदारी के साथ किया है। कभी मैंने झूठ बोल के या धोखे से ना बर्ड सेल नहीं किया। बहुत से लोग होते हैं धोखा देते हैं, मुझे भी धोखे मिले हैं इस फील्ड में। मेरे पास इस टाइम लव बर्ड्स की 7-8 टाइप्स हैं और मेरे पास कॉकटेल्स हैं और मेरे पास एग्जीबिशन है और मेरे पास होगोरोमो है। जो मैंने होगोरोमो रखे हुए हैं ना, वो मैंने शौक के लिए रखे हुए हैं, वो मुझे पसंद है, उनके कलर्स मुझे पसंद है। और लव बर्ड क्योंकि ये हॉट आइटम है और मार्केट में इसकी डिमांड है, सारा मेरा ऑनलाइन सिस्टम है। मेरा ना फेसबुक पे पेज है नया बर्ड के नाम से और YouTube पे मेरा चैनल है नया बर्ड के नाम से। मैं अपने जो अपलोड करती हूँ जितनी मेरी ब्रीड होती है, जो भी मेरे पास बर्ड होता है, हर जो बर्ड का एहतियात होता है ना, वो मौसम के हवाले से होता है। गर्मियों में गर्मी से बचाना होता है, हीट स्ट्रोक से बचाना होता है, बरसात के मौसम में इनको नमी से बचाना होता है। बर्ड के लिए वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर बर्ड को ताज़ा हवा नहीं मिलती ना, तो बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो है ना, कि अगर आपके पास एग्जॉस्ट फैन है तो वो ऑन रखें, अगर डबल डोर हो ना तो फिर वो बेस्ट रहता है क्योंकि एयर क्रॉसिंग होती रहती है। अगर किसी के पास 20,000 या 30,000 भी है ना, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती है। 30,000 से लेके 35,000 तक के बीच में ना, मैं उनको बजट बता के अच्छा सा प्लान बना सकती हूँ कि कौन सा बर्ड वो रखें और किस बर्ड से उसको फ़ायदा हो सकता है।